तो गाइस यार स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो गाइस यार पहले तो आप लोग देख सकते हो हम कार में बैठे हुए हैं और हमारा जो कैरेक्टर है बाहर किस तरह से घूम रहा है, ये सब कुछ कांड कर रहा है और यहाँ तक यार ये सब कुछ कर सकता है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी इसे आसानी से कर सकते हो अपने गेम में। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो के लास्ट में हम आपको बता भी देंगे कि मैंने अपने गेम में ये कैसे किया है। लेकिन यार उससे पहले मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, बस यार दो तीन मिथ के बारे में बात करने, तो उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा मैंने ये सब कैसे किया है। तो गाइस यार हमारा पहला मिथ ये है कि आप लोग एयरपोर्ट वाले प्लेन के पास जाओ और उसके बाद उसे जाली में टक्कर मारो और उसे ब्लास्ट कर दो और उसके बाद भी आप उसे ड्राइव कर सकते हो। इनके कहने का मतलब यही है। तो चलो यार सबसे पहले हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और उसके बाद देखेंगे। ओ यार हम तो एयरपोर्ट में इधर से नहीं इधर से जाना पड़ेगा। बट यार आप लोग तो जानते ही हो हम लोगों के पास बहुत सारे दिमाग है, उतने दूर जाने से अच्छा हम डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। इस तरह करने के लिए आपको ऐसे जाली में एकदम सटाना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी को रोककर बाहर निकलो। वो तो भाई जब हमने अच्छे से किया नहीं, चलो हम फिर से ट्राई करते हैं। इससे आपको पता भी चल जाएगा उतना दूर घूमने से अच्छा है कि आप एकदम ऐसे इसको एकदम जाली में सटा कर ऐसे गाड़ी से बाहर निकल आएँ। तो चलो अब हम आ चुके हैं, अब हमें जाना है जल्दी से। अरे नहीं यार ये लगता है इस बार नहीं जाएगा। आप लोग देख सकते हो इस पर ये दौड़ रहा है बट अंदर नहीं जा पाया। यार ऐसा पहले तो हो जाता था लेकिन लगता है मुझे अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, हमें जाना पड़ेगा सीधे ही। तो चलो यार जल्दी से हम यहाँ पर एक जैकपॉट ले लेते हैं। तो चलो जल्दी से हम चलते हैं ताकि यार हमें टाइम ना लगे, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो चलो यार जल्दी से उड़ जा तू भी यार, हमें उसी वाली प्लेन को लेना है, उसके बाद इसे करना है जाली से टक्कर। तो चलो यार जल्दी से नीचे आ जाओ अब तुम। तो चलो अब नीचे आ गया है, अब जल्दी से हम इससे बाहर निकलते हैं। ये वाला मिथ यार वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है सही होगा, क्योंकि यार जब कोई भी प्लेन ब्लास्ट हो जाती है तो उसके बाद वो नहीं जाती है ज़्यादा दूर तक। बट हम चेक कर लेते हैं यार, देखते हैं, हमें इसको जाली में टक्कर करना है। तो हमारे सबसे नज़दीक जाली किस दिशा में है चलो पहले हम देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो तो इधर ही सबसे नज़दीक है, हम सीधे चलते हैं यार जल्दी पहुंचेंगे। चलो ऐसे हम उड़ाएंगे नहीं उसको, नहीं तो टक्कर भी नहीं होगा, इसे सीधे ही लेकर चलेंगे इसे हम। ये है यार ज़मीन पर दौड़ने वाली प्लेन, यार इधर नज़दीक है, हम इधर ही करते हैं। तो चलो यार जल्दी से हम ब्लास्ट करते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दो। तो ब्लास्ट तो हो गई, अब देखना इसे हम कितना दूर तक ले जा सकते हैं। और आप लोग देख सकते हो हमारी, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये देखो आप लोग, ये तो बहुत ही गजब का चीज़ हो गया। आप लोगों को ये पहले से पता था कि नहीं जल्दी से कमेंट करके बताओ जी। और अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने आगे वाले मिथ की तरफ, क्योंकि अब ये जल्दी कुछ होगा नहीं। हमारा अगला वाला मिथ यार बहुत ही आसान है, क्योंकि भाई ने कहा है कि आपके एयरपोर्ट के पास में एक घर है जिसका गेट खुला रहता है। तो यार ये क्या क्या हो रहा है इसके साथ, जल्दी से हम चलते हैं देख लेते हैं वो कौन सा हाउस है जिसका गेट खुला रहता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम उसके अंदर भी जा सकें, और इस बार हम जल्दी से अपने इसी कार से चलेंगे। यार इनको चाहिए था क्या इसके बैठने वाला ऑप्शन इधर ही दे देते, नहीं तो हमें घूम कर आना पड़ता, इतना दूर अच्छा नहीं लगता है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट एयरपोर्ट के पास से ही वीडियो को शुरू कर सकते थे, बट यार मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट के पास में। अब एयरपोर्ट इतना बड़ा है यार, हम एयरपोर्ट के किस दिशा में ढूंढेंगे उस हाउस को, इसलिए टाइम तो लगेगा, इसलिए मैंने आपको वीडियो यहाँ से स्टार्ट किया। तो चलो हम देख लेते हैं कौन सा हाउस है। अब इधर तो यार कोई ऐसा हाउस दिख नहीं रहा है, हम इधर देख लेते हैं। और यार हम लोग ज़्यादा देर तक उसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो इधर भी कुछ नहीं मिला हमें। तो चलो अब हमारे बस यार ये वाला आप लोग देख सकते हो, ये हमारा कहाँ गया यार, एक मिनट रुको, पहले हम रोकते हैं, शायद यहाँ पर दिख रहा है, हम चलो देख लेते हैं क्या है। नहीं यार ये तो हमारा वाला हाउस है, हमें लगता है भाई ने यही कहा था यार जिसका गेट खुला होता है। तो
तो चलो यार, इसका मतलब ये वाला मिथ भी यार कन्फर्म है, क्योंकि आप लोगों को इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसे जानते ही होंगे कि मेरा ये पुराना वाला हाउस है जिसमें हम लोग जा भी सकते हैं और सब कुछ कर भी सकते हैं। तो चलो यार, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले मिथ की तरफ। हमारा अगला वाला मिथ ये है कि अगर हम लोग 130 चीट कोड को, ओ क्या यार, 330 चीट कोड को डायल करेंगे और उसके बाद एक बैग ले लेंगे दो नंबर वाला, उसके बाद हम उस पर बैठेंगे तो हमारा बैग बाहर दिखेगा। तो चलो इसे हम ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए जल्दी से हम चीट कोड डायल करते हैं, सबसे पहले जैक पैक का, और अब हमें लेना है दो नंबर वाला बैग। तो चलो हम बैग ले लेते हैं जल्दी से, बैग टू, और अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे जाना इस पर बैठना है और देखना है। तो हाँ यार, ये वाला एकदम रियल, आप लोग देख सकते हो हमारा जो बैग है इसके बाहर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो, ये देखो। तो गाइस यार, ये वाला मिथ भी एकदम कन्फर्म है, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले मिथ की तरफ। हमारा अगला वाला मिथ ये है कि अगर यार हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हुए स्काई फॉल करेंगे तो मैजिक होगा। तो चलो देख लेते हैं ये वाला मैजिक भी। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा हेलीकॉप्टर जिसका चीट कोड है 8000। चलो हम जल्दी से डायल करते हैं, और उसके बाद हमें स्काई फॉल भी करना है। तो इसके लिए यार मुझे लगता है कि हमें इसके पास चले जाना चाहिए, उसके बाद स्काई फॉल और हेलीकॉप्टर का चीट कोड एक साथ डायल करना चाहिए। तो चलो यार, स्काई फॉल का चीट कोड है 1120। अब हमें एक साथ दोनों काम करना है, तो ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। तो चलो हम करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। ओ यार, ये क्या हो गया भाई साहब, आप लोग देखो ये क्या, हम तो हेलीकॉप्टर में है ही नहीं बट ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। बट यार, हमारा कहाँ गया कैरेक्टर, मुझे समझ में नहीं आया। शायद यार हमारा कैरेक्टर ऊपर हो क्योंकि हमने स्काई फॉल किया था। चलो देख लेते हैं, और आप लोग देख सकते हैं यार, ये जो खजूर के पेड़ है इसमें कुछ फूल जैसे दिख रहे हैं नए बेर के बाद, आप लोग देख सकते हो। यार हमारा कैरेक्टर तो दिखा नहीं। अब मैं एक बार अपने इस कैमरे पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो चलो देखते हैं। तो यार यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यार ये वाला तो सच में मैजिक है, इसका मतलब ये वाला मिथ कन्फर्म है। अब जल्दी से हम आते हैं नीचे और देखते हैं हमारा अगला वाला मिथ क्या है। यार वैसे तो मिथ हमारे पास अभी बहुत है, लेकिन अब हम कोई भी मिथ नहीं देखने वाले, क्योंकि यार हमने जो आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था ये कि अब इस गेम में आप लोग कैसे कर सकते हो जो दिखाया था, अब हम उसे आपको कर दिखाने वाले हैं कि आप लोग बैठे रहोगे और आपका कैरेक्टर किस तरह आपके सामने ही सब कुछ कांड करेगा, मतलब स्टिक बॉम्ब भी लेगा, सब कुछ करेगा। तो चलो यार, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना मैं बताता हूँ एकदम। और अब यार आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखना, नहीं तो आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाओगे ये कैसे होता है। तो चलो, अब हमारा प्लेन उतर गया है नीचे। बट यार यहाँ पर एक दिक्कत है, हम लोग इससे बाहर भी तो नहीं आ सकते ना, आप लोग देख सकते हो इसके बाहर आने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब हमें तो सीधे बैक ही करना पड़ेगा। तो चलो हम बैक करते हैं गेम को, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। और यार, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो चलो यार, जल्दी से हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि कैसे आप लोग करोगे। अभी देखना है यार, इस बार अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था इस तरह करने वाला, वही अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, कि आप कार्ट में कैसे बैठे रहोगे और आपका कैरेक्टर बाहर रहेगा, घूमेगा टहलेगा सब कुछ करेगा। तो यार, इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीट कोड डायल करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मैं इसे बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। ये 900 है, और अब आपको यहाँ पर लेना है एक हॉर्स का चीट कोड। बट यार, आपको हॉर्स कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी हो, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है इस तरह करने में। आप एकदम इसके साइड में ऐसे आएँ, उसके बाद यहाँ पर डायल कर दें 200। तो यार ये क्या, हमारे तो कार पर ही आ गया, इसे तो नीचे आना चाहिए था। तो चलो यार, हम देखते हैं, शायद ऐसे ही हो जाए, नहीं हुआ, अब हम एक बार कार पर बैठते हैं। मैं अभी आपको यह बता दूंगा लास्ट में कैसे करना है, बस आप लोग अभी देखो। तो इसे नीचे उतरने देते, बस आपको क्या करना है कि यार कार को और घोड़े को इस तरह से एक पास में लगाना है। तो चलो हम लगाते हैं पहले तो, अब मैंने लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि नीचे आ जाना है सीधे, और अब आप लोग देख सकते हो घोड़े और गाड़ी पर बैठने का एक साथ ऑप्शन आया, अब आपको बैठ जाना है। और अब देखो, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे कुछ दूर तक थोड़ा ऐसे घोड़े को दौड़ा उड़ा लेना है, उसके बाद सीधे कैमरे पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप लोग
बस उसके बाद आपको घोड़े से नीचे आना है। और अभी आप लोग रुक जाना यार, पूरा वीडियो देख लेना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और अब आपको फिर से एक चीट कोड डायल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले सबसे एकदम कार के पास आना है और यहाँ पर डायल करना है चीट कोड आपको 999। अब आपको सीधे चले जाना है और इस पर गाड़ी पे और इस पर एक साथ दोनों पर बैठना है। तो आप लोग देख सकते हो हम बैठ चुके हैं। अब आप लोग देखो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुके हो। और यार ये वाला मैजिक तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था, बट क्या करें अब आ गया है, वैसा हुआ नहीं। अब आपको कैमरा पर एक बार क्लिक करना है। ओ यार सॉरी ऐसा नहीं हुआ, चलो हम जल्दी से फिर से यार आपको कर दिखाते हैं ये क्या हो गया। अरे यार हमने क्या किया और क्या यार, ये हमेशा बार बार चेंजिंग होता है। आप लोग देख सकते हो कैसा हो गया। इस प्रकार से आप कहीं पर भी जा सकते हो आर पार किसी भी गाड़ी के। तो यार कैसे हम इसे करें, एक मिनट आप लोग रुक जाओ, हम अपने आप को मार भी नहीं सकते यार। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। बट यार अब मैं आप लोगों को इस दूसरे वीडियो में बता दूंगा। वैसे भी आपको एक मिथ तो पता ही चल गया, इस तरह आप कर मतलब एकदम आसानी से किसी भी गाड़ी के अंदर जा आ सकते हो। लेकिन यार जो मैंने शुरुआत में दिखाया था उसको मैं अपने कल की वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो 11 मिनट हो चुके हैं और अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग यार अगले वीडियो में देख लेना। तो चलो आज का वीडियो अब यहीं।